हे माता, अपने इस पुत्र पर कृपा करें, मेरी सहायता करें माता। ओम या देवी सर्वभूतेषु विश्रुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, आपने मुझ पर कृपा की, आपको धन्यवाद। माता हनुमान, तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करके श्री राम के कार्यों में विलंब क्यों कर रहे हो? तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। ऐसा ही होगा माता, मैं अविलंब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम माता। विजयी भवा पुत्र। वानर, भले ही तुमने मेरे दुर्बलों की शक्तियों को प्रभावहीन कर दिया है, किंतु मैं तुम्हें तृतीय लोक ले जाऊंगा, वहां तुम्हारी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये छलावा। ये प्रथम द्वितीय एवं तृतीय लोक मैं अभी इसी क्षण ये सब समाप्त किए देता हूं। विध्वंस कर दिया, मुझे भी गर्व है हनुमान पर।
वानर, तुमने भले ही मेरे मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया है, किंतु तुम मेरी असीम मायावी शक्तियों से परिचित नहीं हो। वानर, ये है मेरे बाहुदानव रक्त पिपासु, जो तुम्हारा सारा रक्त पी जाएंगे। रक्त चाहिए हमें, रक्त पिपासु है हम। रक्त चाहिए हमें, रक्त चाहिए तुम्हारा। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए हमें। ये इस प्रकार नहीं मानेंगे। माता ने मुझे समय नष्ट ना करने के लिए चेताया था। मुझे इन सबको एक साथ ही समाप्त करना होगा। अच्छा, तो इस वानर के पास भी मायावी शक्ति है। मेघनाद माया जे रचाया, राक्षस पांचहु पांच दिसाया। हे ग्रीव नर सिंह गरुड़ वराह, पंचमुखी रूपी हनुमाना। मेघनाद, अब देखो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही किस प्रकार अंत होगा तुम्हारी मायावी शक्तियों और तुम्हारे मायावी राक्षसों का। मेघनाद के समक्ष किसी की माया नहीं चल सकती। अवश्य ही दिव्य शक्तियां वानर की सहायता कर रही हैं। मेरे दानवों को भयभीत कर दिया है इसने। अब मुझे अपने दिव्यास्त्र से ही इस वानर को धराशाही करना होगा। मायावी राक्षसों, अब होगा तुम्हारा अंत। मुझे इस पर पीछे से प्रहार करना होगा। तो अब ये कपटी मेघनाथ पीछे से वार करने का प्रयास कर रहा है। सखा, अब तेरा अंत होगा मेघनाथ की प्रतिकृति। मेघनाथ, मेरी भक्ति की शक्ति ने ही तुम्हारे मायावी लोक समाप्त किए, तुम्हारे मायावी राक्षसों का वध किया, और अब होगा तुम्हारा अंत। आ!
कैसी ध्वनि थी, लंका क्यों कांप उठी? कहीं मेघनाद? नहीं नहीं, ये क्या था? जैसे आकाश से कोई गिरा हो। अवश्य ही राजकुमार मेघनाथ ने अंत कर दिया होगा उस बानर का। उस बानर का अंत नहीं होगा, मैं देखती हूँ क्या हुआ। अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाथ, यही समाधि बना दूंगा मैं तुम्हारी। नहीं 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 वानर, नहीं, मत मारो मुझे वानर, छोड़ दो मुझे वानर। मैं अपने कृत्य के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण वन्य वानर नहीं हो, तुम कोई दिव्य शक्ति हो। मैं शरणागत हूँ तुम्हारा। ये मेघनाथ हनुमान से क्षमा नहीं मांग रहा है, छल कर रहा है हनुमान के साथ। कहीं हनुमान इसकी बातों में ना आ जाए। तुम तो भक्त हृदय हो और भक्त शरणागत वत्सल होते हैं। हाँ वानर, मुझे जीवन दान दे दो, क्षमा कर दो वानर, क्षमा कर दो। जयन, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। प्रभु श्री राम की सीख है कि यदि शरणागत को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उनकी सीख का सम्मान करते हुए मैं भी तुम्हें क्षमा दान देता हूं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम श्री राम जय जय श्री राम। अरे अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे क्षमा कर दिया था, फिर ये कहां अदृश्य हो गया? क्षमा दान। रक्ष संस्कृति में क्षमा दान का कोई अर्थ नहीं होता वानर। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वानर। ये कपटी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ रहा है। देवी सीता, जो आकाश से गिरा था वो वानर नहीं, राजकुमार मेघनाथ थे। और अब क्रोधित होकर युवराज मेघनाथ हनुमान पर प्रहार करने जा रहे हैं। तो ये मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, किंतु इसे ज्ञात नहीं कि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझ पर ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। किंतु ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य एवं पवित्र अस्त्र का मैं अपमान भी नहीं कर सकता, इसलिए ब्रह्मा जी मैं कुछ समय के लिए ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वीकार करता हूं।
अंततः बंद ही गया वानर। अब ये मेरा बंदी है। मायावी वानर, देखा, अंततः तुम्हें अपने दिव्यास्त्र के पास में बंदी बना ही लिया। ब्रह्मदेव से प्राप्त मेरे ब्रह्म बाण की अपार शक्तियों से पराजित होकर अपनी भूल का आभास तो हो रहा है ना वानर? इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत हूं मैं। घोर अनर्थ है ये। मेघनाथ के बंदी बन गए हनुमान। अब वो रामकाज को कैसे पूर्ण करेंगे? कैसे प्रभु श्री राम को माता सीता के बारे में सूचित करेंगे? और कैसे होगा नाश उस दुष्ट रावण का, जिसके समक्ष हम देवता भी निर्बल हो जाते हैं? आप चिंता ना करें देवराज, अवश्य ही हनुमान के मस्तिष्क में कोई योजना है, अन्यथा प्रभु ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया है कि ब्रह्मास्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्खतावश ये दंभी राक्षस मान बैठा है कि इसने मुझे बंधक बनाया है। इसके पिता रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर उसे चेतावनी देने के मेरे प्रयोजन में ये मेरा सहायक बना है। इसका आभास भी नहीं है इसे। महाराज, महाराज, महाराज। प्रणाम महाराज। लंकेश, शुभ संदेश लाया। युवराज मेघनाथ ने उस उदंडी वानर को बंदी बना लिया है। मुझे विश्वास था मेरा प्रिय पुत्र अवश्य सफल होगा। मुझे गर्व है अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाथ पर। सुना देवी मंदोदरी, आपने पुत्रक्ष का वधिक बंदी बन चुका है और उसे अपने वश में किया है मेरे पुत्र मेघनाथ ने। जाओ और अति शीघ्र उस दंड वानर को मेरे समक्ष मेरी राजसभा में प्रस्तुत करो। आज भरी सभा में उसे कठोरतम दंड दूंगा मैं। जाओ। जी महाराज। अपने प्रिय पुत्र अक्ष के निर्मम वध का प्रतिशोध अवश्य लेगा दशानन। आप देखिएगा कैसे मैं उस दूत वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके ही चरणों में लाके पटक दूंगा। रुको सैनिक, जाओ जाकर कहो मेघनाथ से उस वानर को उसी प्रकार लंका के सभी लघु से लघु मार्गों से घसीटते हुए मेरी राजसभा में मेरे चरणों में लाकर डाले, जैसा मेरा पुत्र अक्ष चाहता था। मायावी वानर, अब तुम्हारे जीवन में केवल एक ही कार्य शेष है, मेरे पिता दशानन रावण के दंड को स्वीकार करना। मेघनाथ, उचित समय पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। मुझे तो बस एक चिंता सता रही है, ये समाचार पाकर कहीं माता जानकी चिंतित ना हो जाएं, वो दुष्ट राक्षसियां उन्हें पुनः सताना प्रारंभ न कर दें। ये सत्य नहीं हो सकता, असंभव है ये। असंभव तो अब तुम्हारा लंका से मुक्त होना है। संपूर्ण लंका में युवराज मेघनाथ द्वारा उस वानर को बंदी बनाए जाने की चर्चा है। मेरे स्वामी के दूत पुत्र हनुमान को कोई कैसे बंदी बना सकता है? विश्वास नहीं होता मुझे। हम व्यर्थ ही त्रिजटा के स्वप्न पर विश्वास कर भयभीत हो रहे हैं।
भयभीत तो अब इसे होना चाहिए। सर्वनाश होगा लंका का, जैसा मैंने कहा था। फिर वो इस वानर के द्वारा हो या किसी और। हे महादेव और प्रभु ब्रह्मदेव, सुनिए मेरी गुहार। निस्वार्थ भाव से मेरे स्वामी को समर्पित पुत्र हनुमान को कोई क्षति ना पहुंचे प्रभु। इस लंका नगरी में एकमात्र मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण ही हैं, जो लंकेश रावण से इस दिव्य वानर की रक्षा कर सकते हैं। मुझे शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए। सैनिकों, इस वानर को अपमानित करते हुए मेरे पिताश्री की राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। प्रतीत होता है इन मूर्ख राक्षसों को ये भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मास्त्र या किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र का बंधन उसी समय अपना प्रभाव छोड़ देता है जब उससे बंधे बंदी को किसी दूसरे बंधन से बांधा जाए। ये अपनी मूर्खता से मुझे इस अति शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त करने जा रहे हैं। मुझे इनको ये मूर्खता करने देनी चाहिए। क्यों वानर, पहले अपराध करते समय विचार नहीं किया और अब भय के कारण तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं। अब तुम अपने सभी कुकृत्यों का दंड भुगतोगे वानर। बहुत अच्छा, अब घसीटते हुए ले चलो इस दुष्ट को लंकेश के पास। ये सूचना सत्य है, वो दुष्ट अवश्य ही रामदूत हनुमान को अनेक प्रताड़ना देते हुए राजसभा की ओर ले जा रहे होंगे। पिताश्री, अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं। अरे भाला टेढ़ा कैसे हो गया, हट जाओ तुम सब। अरे मेरे कोड़े का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो अब इसे दंड हमारे महाराज दशानंद देंगे, ले चलो। माता सीता भी हनुमान को लेकर बहुत चिंतित है। तुम चिंता मत करो पुत्री अंडला, मैं यथाशीघ्र राजसभा में जाकर राधा रावण को समझाने का एक और प्रयास करता हूँ। सुनो 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 लंका वासियों सुनो, महाराज दशानन की प्रिय वाटिका को नष्ट करने वाले इस वानर ने अनेक राक्षस सैनिकों को हताहत किया है और हमारे प्रिय राजकुमार महापराक्रमी अक्ष कुमार का वध करने वाले युवराज मेघनाथ के खड़गों को तोड़ने वाले इस दुष्ट वानर को दशानन रावण शीघ्र ही कड़ा दंड देंगे। लंकेश से पूर्व हम ही इसे दंडित कर देते हैं। रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर प्रभु श्री राम का संदेश सुनाने के लिए मुझे कुछ और समय शांत रहना होगा। मेरी पूंछ में तो माता पार्वती का वास है, उसका अपमान तो स्वयं देवेश्वरी का अपमान है, उसको नहीं सह सकता। मैं तो कहता हूँ कि इस वानर को बंदी बनाकर उस पर सहस्त्रों कोड़े बरसाने चाहिए। कोड़े नहीं, उसे खाई में धकेल देना चाहिए। दंड नहीं, मृत्यु मिलेगी मृत्यु। देवी सीता, बंदी रामदूत शीघ्र ही महाराज रावण के समक्ष प्रस्तुत होने उनकी राजसभा में पहुंचने वाले हैं। मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण वहां किसी अनिष्ट को घटने से रोकने के लिए गए हैं। हे माता,
ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। दुष्टों का जो शुभ समय का अग्रदूत उसके साथ कुछ अशुभ कैसे घट सकता है। आप दोनों निश्चिंत रहिए, मेरे स्वामी के दूत का कोई अनिष्ट नहीं होगा। राजकुमार अक्ष का वधिक, अब देखते हैं कि महाराज दशानन उसे क्या दंड देते हैं। और क्या दंड देंगे उसे, उसे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तो ये है इस दुष्ट रावण का राज दरबार और ये हैं इसके परिजन। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव योजना बनाकर उसका पालन करना चाहिए।